आईपीएल 2024 के 12वें मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 162 रन बनाए थे। जवाब में गुजरात ने 19.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। डेविड मिलर ने विनिंग शॉट लगाया। उन्होंने 20वें ओवर में जयदेव उनादकट की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। मिलर 27 गेंद में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 44 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं विजय शंकर 11 गेंद में 14 रन बनाकर नाबाद रहे। साई सुदर्शन ने 45 रन की पारी खेली। इसी जीत के साथ गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में 3 मैचों में 2 जीत और 4 अंक के साथ 4थे स्थान पर पहुंच गई है। वही हैदराबाद की टीम 3 मैचों में 1 जीत और 2 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। हैदराबाद का अगला मैच 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स से है। वहीं गुजरात की टीम 4 अप्रैल को पंजाब किंग्स से भिड़ेगी। मैच में बने कई रिकॉर्ड्स, यह गुजरात की हैदराबाद पर लगातार 3री जीत है। दोनों के बीच अब तक कुल 4 मुकाबले खेले गए। 3 में गुजरात ने जीत हासिल की और 1 मैच सनराइजर्स ने जीता। हैदराबाद ने जीटी को 11 अप्रैल 2022 को हराया था। इसके बाद के 3 मैचों में गुजरात ने जीत हासिल की। वही लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की यह 20 मैचों में 15वीं जीत रही। इस दौरान जीटी की टीम 5 मैच हारी है। मिलर का आईपीएल में रन चेज करते हुए शानदार रिकॉर्ड जारी है। वह इस लीग में लक्ष्य का पीछा करते हुए 31 पारियों में 113.33 की औसत और 149 के स्ट्राइक रेट से 1020 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके नाम 6 अर्धशतक और 1 शतक है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 101 रन का रहा है। आईपीएल में रन चेज करते हुए अब तक 379 बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है और उनमें सबसे बेहतरीन औसत मिलर का ही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की शुरुआत खराब रही थी। मयंक अग्रवाल फिर फेल रहे और 17 गेंद में 16 रन बनाकर अजमतुल्ला ओमर जय की गेंद पर पेवन लौटे। इसके बाद ट्रेविस हेड को नूर अहमद ने क्लीन बोल्ड किया। वह 14 गेंद में 19 रन बना सके। अभिषेक शर्मा को मोहित शर्मा ने शुभमन के हाथों कैच कराया। अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। एडेन मार्करम 19 गेंद में 17 रन और हेनरिच क्लासेन 13 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए। क्लासेन ने अपनी पारी में 1 चौका और 2 छक्के लगाए। शाहबाज अहमद 20 गेंद में 22 रन और समद ने 14 गेंद पर 29 रन की पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। सुंदर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए और खाता नहीं खोल सके। गुजरात की ओर से मोहित ने 3 विकेट लिए। वहीं ओमर जई, उमेश, राशिद और नूर को 1-1 विकेट मिला।